नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 40 साल हो गया है केवाला कराया हुआ, यानी कि जमीन रजिस्ट्री कराया हुआ 40 साल हो गया है और अभी तक दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन नहीं करा पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, 40 साल हो या 30 साल हो या 20 साल हो या उससे अधिक हो या उससे कम, ठीक है, जितने भी दिन हो चुके हैं, आपने जमीन रजिस्ट्री कराया है, केवाला आपको मिल चुका है, आपके पास केवाला है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो चुका है, यानी कि म्यूटेशन नहीं हो चुका है, आपका लगान रसीद नहीं कट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, आप दाखिल खारिज करा सकते हैं, ठीक है। और दाखिल खारिज आप कराएंगे तो इसमें सबसे पहले जो है, जिन व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा था उस समय, उन व्यक्ति का जो है इसमें सहमति होना चाहिए, ठीक है, सहमति होना चाहिए। एक एफिडेविट उनके द्वारा तैयार होगा और वो एफिडेविट जो है, जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके साथ संलग्न हो जाएगा, ठीक है। और जो है, हम एक बात आपको कहेंगे कि अगर आप 40 साल या 20 साल जितने भी दिन हो चुके हैं, आप अभी दाखिल खारिज उसका कराना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि ऑफलाइन कराएं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सही रूप से आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। जिस मौजा में आपने जमीन खरीदा है, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी यानी कि जिन्हें हम हल्का कर्मचारी कहते हैं, उनके पास आप अप्लाई करें, ठीक है। तो वहां से आपका जब होगा और कोई किसी भी तरह का छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, छोटी मोटी समस्या आ जाए, तो वो वहां पर खुलकर बता देंगे, ठीक है, और आपका वहां से संभव हो सकता है दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।